नमस्कार, आप देख रहे हैं बागेश्वर बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ नैना। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बागेश्वर में आज महीने की आखिरी दिन गरुण बाजार पूरी तरह से बंद नजर आया। आपको बता दें कि व्यापारियों के आह्वान पर व्यापार संघ के अध्यक्ष लक्ष्मी दत्त पांडे ने बीते दिनों बैठक में इसका निर्णय लिया था। इस दौरान व्यापार संघ के इस फैसले की जानकारी दूर दराज गाँव के ग्राहकों तक नहीं पहुँच पाने की वजह से ग्राहक बाजार पहुँच गए, जिससे उन्हें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। पिछले दिनों व्यापार संघ गरुड़ द्वारा यह निर्णय लिया था कि गरुड़ बाज़ार बंद रहेगा, जिससे दूर दराज के लोगों को इस जानकारी का पता नहीं था और काफ़ी लोग बाज़ार में उपस्थित हुए और जिससे उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि आज तक के व्यापार संघ में ऐसा कभी हुआ नहीं। लक्ष्मी दत्त पांडे जी अध्यक्ष बनने के बाद शायद गरुड़ मार्केट आज पहली बार पूर्ण तरह बंद रही है, जिसमें मैं व्यापारियों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। बागेश्वर पुलिस ने आज सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत गोमती पुल टैक्सी स्टैंड के सभी वाहन चालकों को यातायात के नियमों के संबंध में जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने बताया कि अगर नियमों का पालन नहीं किया जाएगा तो चालकों के खिलाफ चलानी कार्रवाई की जाएगी। वहीं उन्होंने वाहन चालकों से नियमों के साथ वाहन चलाने की अपील की है। ये एक महीने का 17 जनवरी से 18 फरवरी तक सड़क सुरक्षा माह चलाया जा रहा है। इसमें हमारा कार्य काम है कि जो भी टैक्सी चालक है, जो भैया चालक है, इनको हम नियमों कानून की जानकारी दें और जो भी इनके द्वारा जो लंघन किया जा रहा है उसके बारे में इनको बताएं। बहुत अच्छी जानकारी दी जा रही है उनके द्वारा। 17 फरवरी तक वो जानकारी देंगे, उसके बाद जो नियमों को फॉलो नहीं करेगा उनका चालान कटेगा, उनको पेनल्टी पड़ेगी। बागेश्वर के गरुण में आज चिकित्सा विभाग की ओर से पोलियो का टीकाकरण शिविर लगाया गया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने शिविर का बढ़ चढ़ कर लाभ उठाया। वहीं रेड क्रॉस और नेहरू युवा केंद्र के सदस्यों की ओर से विभिन्न बूथों पर लगे कर्मचारियों की मदद की गई। इस दौरान कार्यकर्ती आशा ने बताया कि जो बच्चे पोलियो के लिए अस्पताल नहीं पहुँच पाए हैं, उन्हें कल घर घर जाकर पोलियो की 2 बूंद पिलाई जाएगी। अभी तक यहाँ 22 बच्चे पोलियो पीने आ चुके हैं और ऊपर भी जो नवजात शिशु थे उनको भी हमने पोलियो पिला दिया है। हमारा टारगेट यहाँ 350 का है। हमें जिला चिकित्सालय में है, शाम सुबह 9 से 4 बजे तक हमारी ड्यूटी है और कल हम गृह भ्रमण करेंगे। जो भी बच्चा छूटेगा हम घर घर जाके उनको पिलाएंगे। बागेश्वर के कपकोट में उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में पल्स पोलियो अभियान के तहत पोलियो ड्रॉप पिलाई गई। इस दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कपकोट प्रभारी ब्रजेश रावत के अलावा जिले के सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी बच्चों को केवल पोलियो बूथ पर ही 2 बूंद पोलियो की पिलाई जाएगी और 1 और 2 तारीख को हमारे सभी, चाहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हों, आशा कार्यकर्ता हों और ENM बहनें हों, ये सभी लोग घर घर जाकर सभी बच्चों को 2 बूंद पोलियो की अवश्य पिलाएंगे। हर साल की बात ही, इस बार भी हमारा लक्ष्य जो था, जो अभी हमारा मिला है, कम से कम यहाँ पर वार्ड में कम से कम 150 से 200 बच्चों को पिलाने का है। अभी तक 8 बच्चों को हमारे द्वारा पिलाया है। जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको पोलियो ड्रॉप पिलाई गई है। अगर पोलियो को जड़ से मिटाना है तो निश्चित तौर से हमें अपने 5 वर्ष के सभी बच्चों को सभी को बूथों में जरूर लाएं, सभी को पोलियो ड्रॉप जरूर पिलाएं। बागेश्वर के झिरौली में विवाहिता की मौत के मामले में पुलिस ने मृतका के पति और ससुराल वालों के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें 5 साल की सजा सुनाई है। दरअसल बीते साल मार्च में विवाहिता की मौत के बाद उसके भाई की ओर से ससुराल वालों के खिलाफ दहेज मांगने के साथ ही प्रताड़ित करने का आरोप लगाकर तहरीर दी गई थी, जिसके बाद मामले की कार्यवाही की गई है। फिलहाल बागेश्वर बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार।